जबलपुर के गरा थाना अंतर्गत साहू मोहल्ला इंदिरा बस्ती में पुलिस ने एक जुए की फर पर रेड मारी, जहां 8 लोगों को जुआ खेलते पकड़ा गया। इस मामले में पुलिस जब आरोपियों को थाने ला रही थी, तभी भाजपा नेता राममूर्ति मिश्रा के भतीजे धर्मेंद्र मिश्रा द्वारा पुलिस कार्यवाही में हस्तक्षेप कर जुआरियों को छुड़ाने का प्रयास किया गया। भाजपा नेता के भतीजे की दबंगई के कारण काफी देर तक मौके पर हंगामे की स्थिति बनी रही। आखिरकार पुलिस जुआरियों को पकड़कर थाने ले आई और वहीं कुछ देर बाद भाजपा नेता राममूर्ति मिश्रा भी जुआरियों को छुड़ाने थाने पहुंच गए। थाने में भी भाजपा नेता के भतीजे और जुआरियों के सहयोगियों द्वारा काफी हंगामा किया गया, साथ ही पुलिस के साथ बदसलूकी भी की गई, जहां थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर द्वारा उन्हें सूचना मिली थी कि इंदिरा बस्ती में पार्षद पति लखन प्रजापति के घर के पास बने मैदान में जुआ खेला जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी, जहां 8 लोग जुआ खेलते पकड़े गया। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया, जिनके कब्जे से 26,000 रुपए नकद बरामद किए गए। एक तरफ जहां पुलिस की कार्यवाही चल रही थी, तभी वहां मौजूद धर्मेंद्र मिश्रा और उनके साथियों ने जुआरियों को छुड़ाने का प्रयास भी किया, जिससे माहौल बिगड़ने लगा। हालांकि पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण धर्मेंद्र मिश्रा जुआरियों को छुड़ाने में सफल नहीं हुए, लेकिन थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। बता दें, पार्षद पति लखन प्रजापति के खिलाफ पूर्व में भी कई गंभीर अपराध दर्ज हो चुके हैं, जिनमें जुआ और सट्टा खिलाने का अपराध भी शामिल है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। ये एक पुलिस को सूचना मिली थी कि साहू मोहल्ला इंदिरा बस्ती के पास में लखन प्रजापति, जो वहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, उनके पति के घर के सामने मैदान में खुले स्थान पे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं की सूचना पर पुलिस फोर्स वहाँ पहुँचा। पेट्रोलिंग वाले वहाँ पहुँचे हैं, चीता पेट्रोलिंग, और उनके दबिश दी तो वहाँ 8 लोग जुआ खेलते पाए मिले। सागर चक्रवर्ती, शारदा ऋषि साहू, संतोष पटेल, सोनी, नीरज सेन, मनीराम स्वामी, संजीवी अन्ना और चिंटू पांडे। जब इनको पुलिस लेके आ रही थी, उस समय वहाँ पर पास में ही बैठे हुए लखन प्रजापति के घर में बैठे हुए धर्मेंद्र मिश्रा, ब्रजेश उपाध्याय, भूरा साहू और राजुल साहू, ये लोग ये जुआड़ियों को लाने में पुलिस में रोक टोक कर रहे थे और अपनी राजनीतिक धौंस या वो विरोध कर रहे थे, जिसके कारण से उनको भी थाने लेके आया गया था। तक इसके बाद धर्मेंद्र मिश्रा, जो रामपुर के निवासी हैं, उनके चाचा श्री राममूर्ति जी आए और उनके द्वारा जो समझाइश दी गई है तो उनको छोड़ दिया गया और इन पे 26,120 रुपये और 52 ताश पत्ते जब्त हुए हैं। सर, पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं 2.5 लाख का जुआ था और 26,000 की काई। ये तो खुला मैदान में है और वहाँ पर जो है 2.5 लाख और 40 लाख, वो तो बहुत सारे आरोप लगाते रहते हैं। और वो तो ये भी बोल रहे थे कि ये लोग बैठे थे, पिकनिक मना रहे थे, लेकिन हमारे पास में पर्याप्त साक्ष्य हैं कि वो जुआ खेल रहे थे। सर, पार्षद पति जो है वो ऑलरेडी जुए के घेरे में रहे आते हैं, पुराने समय में उनके रिकॉर्ड हैं, किंतु वर्तमान में अभी ऐसे उनके कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि वो इन कार्यों में संलिप्त हैं, किंतु उनके घर के पास होना संदेह स्थिति को जन्म देता है। और उनके द्वारा भी इसमें प्रयास किया गया था कि हम पुलिस बल उनको लेके ना आए। राममूर्ति मिश्रा जी के द्वारा भी थाने में अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो केस न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039-01-18।
8697702299999.